नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है टाइलिंग वर्ड। हम लोग आज ऑल टाइप्स ऑफ टाइल्स, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे करते हैं, और उसका अकॉर्डिंग टू स्पेस, अकॉर्डिंग टू यूसेज, अकॉर्डिंग टू लग्जरी और डेकोरेशन, इसके अलग अलग जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये कौन कौन से टाइल्स कौन कौन सी जगह में इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल देखेंगे। आज हम टाइलिंग वर्ल्ड के बारे में जानने वाले हैं, कौन कौन से टाइप्स है टाइल्स है, वो कौन कौन से लोकेशन में यूज किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पेस, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, एरिया प्रेफरेंस, इसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं। टाइलिंग क्या है? टाइलिंग एक टाइप का एक थिन ऑब्जेक्ट है, मेनली वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, कभी कभी कुछ जगह सर्कुलर भी पाया जाता है। वो मेनली हार्ड वेयरिंग मटेरियल्स का बनाया जाता है, जैसे सिरामिक्स, स्टोन्स, मेटल्स, बेकड क्ले, इवन कुछ कुछ जगह ग्लास भी इस्तेमाल किया जाता है। मेनली एक फ्लोरिंग या फिर रूफ कवरिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी किचन या बाथरूम जैसे वहाँ उसमें वॉल्स के लिए या फिर कुछ जहाँ अगर अलग रिक्वायरमेंट है तो उसमें भी वॉल्स के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से टाइप का टाइल्स है। पहला है सिरेमिक टाइल्स, दूसरा है सीमेंट कंक्रीट क्ले टाइल्स, तीसरा है टेरिकोटा टाइल्स, चौथा है मोज़ेक टाइल्स, पांचवा है नेचुरल स्टोन टाइल्स, छठा है विट्रीफाइड टाइल्स और अपने क्वेरी टाइल्स। अभी हम देखेंगे सिरेमिक टाइल्स। इधर आप साइड में एक इमेज है, उसमें आप देख सकते हैं ये सिरेमिक टाइल्स। सिरेमिक टाइल्स उसको पोर्सिलेन टाइल्स भी कहा जाता है, सिरेमिक और पोर्सिलेन टाइल्स। ये मेनली अलग टाइप का लिविट और वर्सटाइल सरफेस जैसा रहता है। ये टाइल्स मेनली किचन में, बाथरूम में, इसमें वॉल में भी इस्तेमाल किया जाता है। सिरेमिक टाइल्स ये टाइप का ऐसा इकलौता फ्लोरिंग है जो किसी भी रूम में, घर के किसी भी रूम में इसको लगा सकते हैं, और इवन किचन बाथरूम्स में भी लगा सकते हैं, जैसे और फायर्स बेडरूम और अंदर ट्रैफिक एरिया गए वहां भी हम लगा सकते हैं। यहाँ मेनली तीन टाइप के सिरेमिक्स है, जैसे अर्दन वेयर, स्टोन वेयर और पोर्सिलिन। मेनली सिरेमिक्स मेनली यूज किया जाता है डेकोरेटिव, वाटरप्रूफ, पेंट उसके लिए मतलब ज्यादातर यूज किया जाता है, और इसको ग्लेज, जहां ग्लेजिंग अगर इसका रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। अभी हम देखेंगे सीमेंट कंक्रीट टाइल्स। सीमेंट कंक्रीट टाइल्स इधर आप स्केच में देख सकते हैं, एक सारा सीमेंट कंक्रीट टाइल्स है, नेचुरल कलर है और ये कलरफुल सीमेंट कंक्रीट टाइल्स है। ये सीमेंट कंक्रीट टाइल्स मेनली हैंडमेड रहता है और कलरफुल भी यूज रहता है, अलग अलग शेप्स, अलग अलग कलर्स भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। मेनली फ्लोरिंग के लिए एज वेल एज वॉल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इसका ज्यादातर फिनिश स्मूथ नहीं रहता, इसलिए ग्रिप जब भी गीला रहता है इसमें अच्छा से ग्रिप रहता है, इसमें ग्रिप रहता हो, इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा रहता है। मेनली इसमें पोर्टलैंड सीमेंट का लेयर और कोर्स लेयर ऑफ सैंड सीमेंट इस रहता है, इसके साथ ही इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छा रहता है। ये सीमेंट टाइल्स मेंटेन करने के लिए इसको इतना ज्यादा नहीं करना हार्ड ये नहीं है, अब इजी टू मेंटेन है। इसके साथ ही ये प्रॉपरली सील किया जाना चाहिए,
इसके साथ ही सरफेस जो भी है इसका क्लीन करना चाहिए और ये मेनली सुटेबल फॉर नेचुरल स्टोन्स के ऊपर भी ये सुटेबल है। ये टेरेकोटा टाइल्स इधर आप इमेज में देख रहे हैं, टेरेकोटा टाइल्स ये मेनली नेचुरल क्ले से बना रहता है। ये टेरेकोटा टाइप का बहुत ही मजबूत और ज्यादा चलने वाला मटेरियल है। ये मेनली इस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट है और इसमें अलग अलग टाइप के बहुत ही ज्यादा देर यूज किया जा सकता है। इसके साथ ही इसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर होना चाहिए तो ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ज्यादा साल तक टिकता है या फिर चलता है। ये मेनली पोरस है और ये मेनली इसका सील जो भी जॉइंट वगैरह वो प्रॉपर होना चाहिए और इसको स्क्रैचेस और मॉइस्चर से इसको अवॉइड करना चाहिए। जॉइंट ठीक करके स्क्रैचेस और मॉइस्चर से अवॉइड करना चाहिए। ये ग्लेज्ड भी है और इसका कलर वेरिएशन भी है, अलग अलग टाइप का कलर्स है इसमें। ये व्हाइट है, ग्रीन, पिंक, रेड, मस्टर्ड, ग्रीन, सेरिन, ब्लू, ऐसा अलग अलग कलर में ये पाया जाता है। ये मेनली वॉल्स, मेनली फ्लोर्स के लिए एज वेल एज वॉल्स को भी यूज किया जाता है। मेनली जैसे लिविंग रूम है या फिर बड़ा स्पेस का है वहां ये यूज किया जाता है। मोज़ेक टाइप इसमें आप स्केच साइड में इमेज देख सकते हैं। मोज़ेक टाइल्स मेनली अलग अलग टाइल्स जैसे कलर्स, शेप्स, मटेरियल अलग किसी भी कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। मेनली इंस्टॉल करने के लिए भी आसान रहता है। और ये टाइल्स, मोज़ेक टाइल्स पुराने इसमें ये चीप होने की वजह लो कॉस्ट इंडस्ट्री में या फिर आजकल बहुत सारे पुराने घर में ये मोज़ेक टाइल्स पाया जाता है। अभी ये आजकल न्यू इसमें ये टाइल्स बहुत ही रेयरली इस्तेमाल होता है, बट पुराने जो भी घर रहे या फिर लो कॉस्ट हाउसिंग वगैरह है वहाँ ये ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। ये मोज़ेक टाइल्स कौन सा टाइप का रहता है, सिरेमिक भी रह सकता है, पोर्सिलेन रह सकता है, ग्लास, नेचुरल स्टोन्स, इवन मेटल और मिनरल भी रह सकता है। मेनली अलग टाइप का एक पैटर्न में ये बनाया जाता है। इसमें जैसे आप इधर देख सकते हैं और इसमें कुछ गैवल्स हो इसके पीसेस भी आपको देख सकते हैं। ये ग्लेज्ड अनग्लेज रहता है। इसमें कलर कौन सा चाहिए आपके रूम में, कौन सा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये मेनली किचन ग्लास टाइल्स किचन में ज्यादातर यूज किए जाते हैं, क्राफ्ट गार्डन में आर्ट में भी किए जाते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के बेंचेस, पार्क बेंचेस रहता है, पब्लिक आर्ट रहता है, यहाँ ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी नेचुरल स्टोन टाइल्स, ये नेचुरल स्टोन टाइल्स मेनली नेचुरली जो भी मटेरियल रहता है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। जो भी नेचुरल मटेरियल अर्थ से बनता है, मिलता है, उसे बनाते हैं। इसमें अलग अलग टाइप का वैरायटी स्टोन्स रहता है जैसे स्लेट, ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, ट्रैवनाइट और सैंडस्टोन। ये ड्यूरेबल है, ज्यादातर ड्यूरेबल है, बट उसका मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, उसका थोड़ा बहुत मेंटेनेंस ज्यादा रहता है। ये मार्बल ग्रेनाइट मेनली लिविंग रूम में, बाथरूम में, किचन काउंटर्स में भी यूज किया जाता है। विट्रीफाइड टाइल्स, विट्रीफाइड इधर आप साइड के इमेज में देख सकते हैं। विट्रीफाइड टाइल्स एक टाइप का एक सिरेमिक टाइल है, इसमें पोरोसिटी बहुत ही लो है। ये
जनरली मार्बल या ग्रेनाइट फ्लोरिंग के लिए अल्टरनेटिव ऐसे देखा जाता है। आजकल बहुत ही यूज ज्यादातर यूज होता है विट्रीपल टाइल्स, जितना घर के जितना भी हाउस का नया कंस्ट्रक्शन रहता है वह विट्रीपल टाइल्स बहुत ही ज्यादा यूज होता है। यह अलग अलग कलर्स में अलग ज्यादातर यूज पाया जाता है। मेनली इसका ऑफन यूज आउटडोर्स मतलब आउटसाइड में भी ये यूज करते हैं। उसका मेनली ये वाटर फोर्स रेजिस्टेंस है। यहाँ टाइप चार टाइप के विट्रीपल टाइल्स पाए जाते हैं, जैसे सोल्युबल सॉल्ट, डबल चार्ज, फुल बॉडी ग्लेज्ड, क्वेराटेल्स। क्वेराटेल एक टाइप का बहुत ही हार्ड इम्पर्वियस पेविंग टाइल है, मेनली ग्राउंड मिनरल से बनाया जाता है। इधर आप स्केच में देख सकते हैं, ये मेनली फ्लोर जहाँ ड्यूरेबल मटेरियल ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जहाँ मतलब ज्यादा उसका ड्यूरेबिलिटी मेन है, इसमें अनग्लेज्ड टाइल्स में इसमें ड्यूरेबल रहते हैं और यूज फॉर इंडोर्स और आउटडोर्स दोनों में ये यूज किया जाता है। ये बेस्ट ऑप्शन फॉर फ्लोर्स मोस्टली प्रेफर्ड किचन्स। अभी हम देखेंगे कौन सा टाइल्स, पिकिंग द राइट टाइल्स, कौन से रूम में कौन सा टाइल्स लगाना है या फिर कौन से लोकेशन में कौन सा टाइल लगाना है। जैसे लार्ज साइज का टाइल्स है मेनली वो लिविंग रूम्स के लिए ज्यादातर हम लगाते हैं, और स्मॉलर टाइल्स बेडरूम्स गेस्ट रूम्स उसमें लगाते हैं। और इसके साथ ये देखना है कि इसका इंटीरियर है वो हमको वो टाइल्स का मैच करना है, मतलब वो इंटीरियर को मैच करने के लिए भी हम टाइल चूज कर सकते हैं। योर योर ग्रे कलर टाइल्स मेनली फॉर फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं। इसके साथ ही ये हारमोनी रेस्ट ऑफ योर डेकोर अच्छा है, उसके लिए भी ये यूज किए जाते हैं। साइड का डेकोरेशन मेनली वो कंसिडर किया जाता है। अभी ब्राइट कलर फ्लोर टाइल्स है, ये बाथरूम में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। मेनली वो ध्यान में रखना है कि ब्राइट कलर टाइल्स में इसमें ज्यादातर ग्रिप होनी चाहिए और नॉन स्किप मैट फिनिश होनी चाहिए। और वॉल्स के लिए आप लोग हम लोग ग्लॉसी और सेटिन टेक्सचर टाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लीन करने के लिए भी और मेंटेन करने के लिए भी इजी है। अभी नॉन स्किप टाइल्स किचन फ्लोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि और इसमें कलर्स गोल्ड है, ब्राउन है, अलग अलग रहते हैं। इसमें किचन में कैसे अलग अलग स्क्रैचेस स्ट्रेन्स आराम से पाए जा सकते हैं, क्योंकि उसका किचन में ज्यादातर पानी का इस्तेमाल होता है, साफ सफाई वगैरह रहता है, तो वो स्ट्रेन्स सब ये टाइप का टाइल्स यूज करने के बाद इसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस स्ट्रेन्स कुछ आए वो पता कर सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, क्लीनिंग के लिए भी अच्छा रहता है। इसमें डार्क और अर्धी टाइल्स जो रहते हैं वो मेनली कॉरिडोर्स में रहते हैं, क्योंकि वहाँ हाई ट्रैफिक रहता है, ज्यादातर पब्लिक का आना जाना वगैरह रहता है, इसके लिए ज्यादातर वहाँ डार्क कलर के सजेस्ट करते हैं। इसमें डार्क कलर्स टाइल्स यूज करने की वजह से ये पूरा डर्ट जो भी है गंदगी है या इसके लिए और वियर टीयर के लिए भी ये अच्छा रहता है। मेनली बेसिक कलर जो भी रहता है वो टेरेस टाइल्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे सीमेंट का ग्रे कलर है या फिर कंक्रीट का कलर है, उसके हिसाब से ये व्हाइट टेरेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाइट अगर यूज करते हैं, व्हाइट कलर मेनली प्रेफर किसके लिए करते हैं, वो रूम टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए ड्रामेटिकली, इसलिए व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। अब स्पेस के हिसाब से हम देखेंगे, बाथरूम में पोर्सिलेन टाइल इज अ पॉपुलर चॉइस। बाथरूम में कौन सा पोर्सिलेन टाइल ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, पोर्सिलेन
कंडक्टर का डेंसर है, लेस पोरस है और हार्डर ऑप्शन है। इसमें ग्रेटर स्ट्रेन एंड वाटर रेजिस्टेंस देन सिरेमिक टाइल्स। सिरेमिक टाइल्स से ज्यादा ये हायर वाटर रेजिस्टेंस और ग्रेटर स्ट्रेन है। इसका सुटेबिलिटी इतना अच्छा है कि ये रेडिएंट फ्लोर हीट टू कीप फिट टोस्टी ऑन कूल मॉर्निंग, मतलब हीट रेजिस्टेंस भी है। ये मेनली अनमैच्ड डिजाइन वर्सेलिटी भी ऑफर करता है। अभी बातों ने हमने देखा जैसे अलग ऊपर का जो चॉइस रहेगा वो ड्यूरेबिलिटी, इलिगेंस, स्टाइल, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। इसमें मिक्स और मैच अकॉर्डिंग करना, जो आपको बाथरूम को सूट हो आपके साइज उसके हिसाब से ही टाइल आपको चूज करना है। इसमें अलग अलग कलर एलिमेंट हम लोग बाथरूम में यूज कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर ऑफ बाथरूम टाइल्स, मतलब बाथरूम के बॉर्डर्स के लिए अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं, ब्राइट कलर, फ्लोरल कलर और अदर टाइल्स भी यूज किया जा सकते हैं। ये टाइल्स अलग अलग साइजेस में आ जाते हैं, यूज करने के लिए बहुत ही आसान है। अभी स्पेस के हिसाब से हम देखेंगे लिविंग रूम। लिविंग रूम की जब बात होती है तो हम लोग जनरली सिरेमिक टाइल्स से नेचुरल स्टोन टाइल्स का देख सकते हैं, टेरेकोटा टाइल, इटालियन मार्बल, पोर्सिलेन टाइल्स, ये प्रेफर किया जाता है लिविंग रूम के लिए। इसमें डिजाइनर और टेक्सचर मार्बल भी बेस्ट सुटेड है और लार्ज और स्पेशियस लिविंग रूम है। वहां छोटी अगर लिविंग रूम है तो डेकोरेटेड टेरेकोटा टाइल्स हम यूज कर सकते हैं। इसमें अलग 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 टाइप के हम कैरेक्टर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो रूम का इंटीरियर देख के, इंटीरियर को डेकोरेटिव बनाने के लिए। अभी किचन, किचन में ज्यादातर सिरेमिक टाइल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो ज्यादातर ड्यूरेबल है और अलग अलग वाइट वैरायटी में कलर्स में और पैटर्न्स में अवेलेबल है। ये चाहिए इनका ऐसे चूज करना है जो ज्यादातर ड्यूरेबल हो, स्क्रैच रेजिस्टेंस हो, क्योंकि किचन बहुत ही हाई ट्रैफिक एरिया है, ज्यादा यूज किया जाने वाला एरिया है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना कि इसका किचन का जो इंटीरियर है, यूनिट्स है, उसको मैच करना चाहिए, मैच करते करने वाली टाइल्स चाहिए। उसके बाद सिलेक्ट फ्लोर्स के लिए, वॉल्स के लिए कौन सा चाहिए मैच करना, उसके हिसाब से वो टाइल्स हमको चूज करना है। ये स्मॉल टाइल्स और स्मॉलर किचन, जब छोटा किचन रहेगा तो स्मॉल टाइल्स यूज करना है और अगर किचन का स्पेस बड़ा है, बड़ा किचन है, तो लार्जर टाइल यूज करना है। अभी स्टेयर केस के लिए हम लोग देखते हैं जनरली ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेनाइट इन हॉर्न फिनिशिंग, ये क्योंकि नॉन स्लीपरी यूनिक और स्ट्रॉन्गर टाइल्स है, 10 mm टाइल के हिसाब ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अभी अलग अलग कौन सा स्टेयरकेस में यूज कर सकते हैं, जैसे स्टोन हो गया, वुड हो गया, रेडीमेड सिरेमिक टाइल्स है, आयरन फॉर आउटडोर्स है। ग्रेनाइट एक टाइप का हार्डेस्ट मोस्ट ड्यूरेबल फ्लोरिंग मटेरियल है, जो भी लाइक वेरी लेस, मतलब क्रैक होने के या चिप होने के चांसेस बहुत ही कम है कंपेयर टू सिरेमिक। लेकिन ग्रेनाइट बहुत ही पोरस है सिरेमिक से ज्यादा और स्ट्रेन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ग्रेनाइट ओवरऑल प्रोबेबली रिक्वायर्ड मोर रेगुलर, मतलब ग्रेनाइट का मेंटेनेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है कंपेयर टू सिरेमिक, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा रहता है और सिरेमिक टाइल्स ज्यादा से ज्यादा देर तक चलता है या फिर उसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। अभी हम स्कर्टिंग के बारे में बात करेंगे। स्कर्टिंग में भी एक जॉइंट है जो फ्लोर और दीवार दोनों के जॉइंट में ये लगाते हैं ताकि ये दोनों जॉइंट खराब ना हो सके। मेनली फंक्शनल पर्पस कैसा है, इसका प्रोटेक्शन करना है जॉइंट्स का, प्रोटेक्शन ऑफ द वॉल फ्रॉम एब्रेशन, एक्सीडेंटल नॉक्स और फर्नीचर वियर टियर, मतलब ये वॉल का और ये फ्लोर का, दोनों का ये पूरा जॉइंट
प्रोडक्शन करना है, एज वेल एज कोई फर्नीचर कुछ हम लोग ज्यादा ऐसे रखते हैं तो उसका भी उसको ज्यादातर डैमेज ना हो, उसके लिए ये प्रोटेक्शन के लिए ये स्कर्टिंग लगाया जाता है। मेनली कुछ दीवार की अनसाइटली और मतलब फ्लोर एजेस अगर अनटाइडी है कुछ थोड़ा खराब है तो उसको भी ये कवर करने के लिए इसका ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें एक चीज और भी है, डेकोरेटिव यूज भी इस्तेमाल किया जाते हैं, जैसे कि कुछ देखने के लिए भी अच्छा हो, लुक्स उसका अच्छा हो, उसके लिए भी एक टाइप का अच्छा एज इसको स्कर्टिंग को लगा सकते हैं। जनरली जो फ्लोरिंग टाइल्स है उसी का स्कर्टिंग का यूज करते हैं, मतलब जैसे अगर मिट्टी पैड है तो मिट्टी पैड का ही स्कर्टिंग करेंगे, उसका थिकनेस जनरली 100 mm to 150 mm रहता है। ये मेनली ओवरऑल मेंटेन करने के लिए डिजाइन टाइल्स अलग अलग टाइप के बेस वॉल और फ्लोरिंग का मैच करने के लिए भी इसका अच्छा टाइल्स का चॉइस करना जो जरूरी है। टाइलिंग का जो भी पूरा मेजरमेंट है वो स्क्वायर फीट या फिर स्क्वायर मीटर में रहता है, जबकि स्कर्टिंग का पूरा मेजरमेंट जो भी है रनिंग मीटर या रनिंग फीट में रहता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से टाइल्स कौन कौन से जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आपको अगर कुछ नया वीडियो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में नया कुछ वीडियो अगर चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो उसको ज़रूर शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और हमारे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।